हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू आईक्यू टैब सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूजपेपर एनालिसिस फॉर 9th ऑफ दिसंबर बिफोर दैट, इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो यू कैन गो टू टेलीग्राम एंड सर्च फॉर आईक्यू टैब ऑफिशियल आपको वहाँ पर इसकी पी मिल जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल एट्स अंडरस्टैंड कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है सबसे पहले विल टॉक अबाउट अ वेरी अनफॉर्चुनेट लॉस दट इंडिया हैज रिशेंटली सफर्ड जहाँ हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की रिसटली डेथ हो गई है हेलीकॉप्टर क्रैश then विल मूव ऑन टू एन अंडरस्टैंड कि जिस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे दट इज एम आई वन सेवन वी फाइव हेलीकॉप्टर उसके फीचर्स क्या क्या नाउ दिस इज अ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर इंडिया के पास और कौन कौन से ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं इसे समझने की कोशिश करेंगे दैन विल मूव ऑन टू डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज इन वेलिंगटन जो कि तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है नाउ देखिए जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो रिसेंटली इसी पर्टिकुलर कॉलेज में जा रहे थे तो इस कॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या है इससे समझने की कोशिश करेंगे दैन विल मूव ऑन टू कैच बॉन्ड देखिए जब भी कोई किसी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया जाता है एंड जब भी उसे बेल मिलता है तो जो कोर्ट है वो कुछ कंडीशन पोर्ट करता है उन कंडीशन में एक कंडीशन होता है कैश बॉन्ड तो हम समथेंगे कि कैश बॉन्ड क्या होता है एंड फाइनली विल मूव ऑन टू केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो कि रिसेंटली अप्रूव किया गया है तो हम इसके बारे में बैकग्राउंड प्लस सारा डिटेल uh, चेक करने की कोशिश करेंगे नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट टू डिस्कस इट इज अबाउट सी जो हमारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थी uh, उनका रिसेंटली हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे ही अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड टेन अदर्स टोटल ट्वेल्ल लोगों की डेथ हो गई है इन हेलीकॉप्टर क्रैश जो कि एक हैविली वुडेड एरिया के अंदर हुआ है जो कि कनूर नाम का एक प्लेस है जो कि दलगिरी फॉरेस्ट में तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है ठीक है देखिए रिसेंटली एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जिसमें पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली एक्जैक्ट कॉज क्या है ऑफ दिस क्रैश ठीक है इस पर्टिकुलर क्रैश का एक्जैक्ट कॉज क्या है अभी पता नहीं चला है कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि फॉकी कंडीशन के कारण शायद ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है एक्सीडेंट हुआ है बट ये हंड्रेड अभी श्योर नहीं हुआ है इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या होता है जनरल रावत जो है उन्होंने फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ओथ ली थी ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी 2020 देखिए आपको समझना है कि ही वाज फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मी के हाइस्ट रैंक ऑफिसर थे दैट इज जनरल ठीक है तो आर्मी का जो हाइस्ट रैंक ऑफिसर होता है दैट इज कॉल्ड कॉल जनरल ठीक है इसी तरह एयरफोर्स का जो होता है दैट इज एयर चीफ मार्शल एंड जो नेवी का होता है दैट इज एडमिरल ठीक है सो ये तीन होते हैं जो कि अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स के हाईएस्ट होते हैं बट तीनों को साथ में इंटीग्रेट करने के लिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की एक पोस्ट बनाई गई थी अब यहाँ पर वर्ड देखेंगे यहाँ पर डिफेंस वर्ड को यूज किया जा रहा है यहाँ पर कोई आर्मी नेवी या एयरफोर्स वर्ड यूज नहीं किया गया है तो डिफेंस का मतलब है जहां पर आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों साथ में काम करेंगे तो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो तीनों को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे थे ही वॉज जनरल रावत ठीक है नाउ रिसेंटली जनरल रावत ही वॉज ऑन अ विजिट टू डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज इन वेलिंगटन जो कि तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है इसके बारे में हम थोड़ी देर में देखेंगे नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कहाँ पर हुआ है कनूर कहाँ पर है तमिलनाडु अगर आप मैप देखेंगे इफ विल मूव फ्रॉम कोयम्बटूर टू कोटी तो रास्ते में आपको एक प्लेस मिलेगा दैट इज तो कॉलेज कनूर ठीक है यहीं पर यह पर्टिकुलर इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस वी हैव टू डिस्कस अबाउट एम आई वन सेवन वी फाइव हेलीकॉप्टर नाउ दिस हेलीकॉप्टर दिस इज अ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर आपको समझना है दिस इज अ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जो कि इंडियन एयरफोर्स यूज करती है इंडियन आर्मी के पास ऐसा नहीं है ठीक है इंडियन एयरफोर्स के पास है दिस पर्टिकुलर चॉपर इट इज डिजाइन टू कैरी पर्सनल यानी कि ये लोगों को साथ में लेकर जा सकता है कार्गो यानी कि सामान लेके जा सकता है बहुत सारे इक्विपमेंट्स को लेकर जा, तो ले जा सकता है या तो अपने कार्गो कैबिन के अंदर लेकर जा सकता है या फिर एक्सटर्नल स्लिंग के अंदर अगर आप इस इमेज को देखेंगे देखिए दिस इज कॉल इज दैबिन इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर के नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस बनाया गया है जो काफ़ी अंदर तक जाता है और इसी के अंदर आप कोई भी सामान

इसके अलावा इसके अंदर मॉडर्न एव्यूनिक्स हैं एव्यूनिक्स का मतलब होता है ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि इसके एयर फ्ला, एयर फ्लाइट पावर को और ज्यादा स्ट्रॉग बनाते हैं दिस हेलीकॉप्टर इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन एनी जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन किसी भी जोग्राफिकल एरिया और किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में ये प्रॉपर्ली मूव कर सकता है दिन में भी रात में भी इसके वाला, अलावा इट कैन आल्सो मूव इन एडवर्स वेदर कंडीशंस नाउ दिस इज द मेन थिंग देखिए ये इतना एडवांस हेलीकॉप्टर है इसके बावजूद रिसेंटली क्रैश हुआ है इसके लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है जब मालूम चल सके कि किजैक्टली क्या रीजन था इसके कारण ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जो इंडियन एयरफोर्स है वो यूज करती है इस हेलीकॉप्टर को टू नॉट ओनली ट्रांसपोर्ट कागो सामान को मतलब ट्रांसपोर्ट करने के अलावा ये ट्रुप्स को डिप्लॉय करती है जैसा हमने रिसेंटली बात किया और रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशन के अंदर भी इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है सोलूर एयरबेस जो है तमिलनाडु के अंदर वहीं पर इस हेलीकॉप्टर को बेस किया गया है वहीं से सारी हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट करती हैं, देखिए नाउ ये जो हेलीकॉप्टर है ये हमने रशिया से लिया है ये सोवियत डिजाइन है यानी कि रशियन डिजाइन है और रशिया से ही हमने ये हेलीकॉप्टर लिया है इट इज़ कैपेबल ऑफ लैंडिंग ऑन अनप्रीपेयर्ड साइट्स ठीक है ऐसी साइट जो कि प्रॉपर हेलीपैड्स नहीं भी है हेलीपैड्स नहीं भी है वहां पर भी ये प्रॉपरली लैंड कर सकता है यहां तक कि रात के टाइम में भी विदाउट सफिशियंट लाइट लाइट के भी यह प्रॉपर्ली लैंड कर सकता है इसके अलावा अगर कोई लिमिटेड एडवर्स वेदर कंडीशन है मतलब वेदर कंडीशन जो है जो प्रॉपर नहीं है जितनी चाहिए उतनी नहीं है इसके बावजूद वो पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर जो है उस वेदर कंडीशन के अंदर प्रॉपर्ली लैंड कर सकता है दिस हेलीकॉप्टर कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड ऑफ थर्टीन थाउजेंड के जीस मतलब ये काफ़ी ज़्यादा कार्गो एक साथ लेके जा सकता है और इतनी ज़्यादा कारगो लेके जाने के बावजूद इसकी प्रॉपर स्पीड जो होती है वो टू हंड्रेड फिफ्टी किलोमीटर्स पर आर के हो सकती है मतलब काफ़ी हाई स्पीड से ये काफ़ी ज़्यादा सामान लेके जा सकता है एक बार में इंडिया ने टोटल 80 एम आई सेवेंटीन हेलीकॉप्टर्स रशिया से लिए थे कुछ साल पहले जो कि इंडिया का मीडियम ट्रांसपोर्ट फ्लीट की तरह काम करता है मतलब इट इज अ वेरी ट्रस्टेड एयरक्राफ्ट अभी तक ये माना जाता था इट इज़ अ वेरी ट्रस्टेड एयरक्राफ्ट बट रीसेंट इंसिडेंट के बाद लेट्स सी कि इसके ऊपर कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली पक्का होगी यूज फॉर ऑल डिग्नेटरी मूवमेंट्स इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर को यूज किया जाता है बहुत सारे डिग्नेटरी मूवमेंट्स के लिए इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसी पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर से मूव करते हैं नागरिक एम आई सेवनटीन का जो वी फाइव हेलीकॉप्टर है इट इज टॉप ऑफ द लाइन सीरीज मतलब ये वन ऑफ द सेफेस्ट हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड। इसके बावजूद रीसेंट जो एक्सीडेंट हुआ है इसका एक रीजन अभी तक हमें प्रॉपर रीजन एक पता नहीं चला है द लास्ट बैच ऑफ द चॉपर जो इंडिया को मिला है रशिया से, दैट इन इन वे बैक ना देखिए हमें पता है कि एम आई सेवनटीन एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर था हम समझते हैं कि एम आई सेवनटीन के अलावा और कौन कौन से इंडिया के पास ट्रांसपोर्ट हेलीकॉपॉप्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फर्स्ट जो कि हमने बोइंग यानी कि यूएसए से लिया यूएसए की कंपनी है बोइंग वहीं से हमने लिया है चिनूक हेलीकॉप्टर्स ठीक है यह भी हमारे ट्रांसपोर्ट फ्ली को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है इसके अलावा चिनुक जो है देखिए एक एडवांस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जो कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और भी बहुत सारे मिशन को प्रॉपरली सक्सेसफुली काम कर सकते हैं इसके अलावा ये हैवी पेलोड्स टू हाई एल्टीट्यूड्स में भी ये मतलब दे सकता है यानी कि बहुत हाई एल्टीट्यूड्स जैसे कि हाई हिमालयन कोई स्टेट्स है सियाचिन है लद्दाख है लेह है ऐसे एरियाज में काफ़ी ज़्यादा हाई पेलोड्स वगैरह को एम्यशनस फूड सप्लाइज सोल्जर्स इन सबको लेके जा सकता है इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास देखिए फर्स्ट तो हो गया हमारा एम आई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसके अलावा चिनूक हो गया इसके अलावा सी सेवेंटीन ग्लोमास्टर

तमिलनाडु तो के अंदर प्रेजेंट है हम इसके बारे में प्रॉपर्ली बात करते हैं समझते हैं कि क्या है दिस इज अ डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ये जितने भी डिफेंस का आर्मी नेवी एयरफोर्स इन सबका जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है हाई ऑफिसर्स को ये ऐसा कॉलेज है जो कि वेलिंगटन यानी कि तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है ठीक है है ये ऑफ डिफेंस इसको ऑपरेट करता इसमें तीनों सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है जैसे कि इंडियन मिलिट्री सर्विस यानी कि जो आर्मी से रिलेटेड है वो ये देखिए जितने भी आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनको आई एम यानी कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी के अंदर उसको ट्रेन किया जाता है उनको ठीक तो है तो आई एम ई जितने भी इंडियन मिलिट्री सर्विस हैं उन सबको यहीं भी ट्रेन किया जाएगा ऑफिसर्स को इसका

सिविल सर्विसेज और कुछ फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के ऑफिसर्स इन सबको यहीं पर ट्रेन किया जाता है नाउ दिस इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिलिट्री इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जितने भी मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर उन सब में से वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ये जिसमें इसको नाइनटीन में इसको बनाया गया था इसका नाम था उस टाइम आर्मी स्टाफ कॉलेज जो कि देवलाली जो कि नासिक से वहां पर इसको बनाया गया था नाइनटीन यानी कि दो साल के बाद इसको मूव कर दिया गया इन कोटा जो कि अभी पाकिस्तान चला गया है बट नाइनटीन के बाद जब पार्टीशन हुआ तो जो इंडियन एलिमेंट था इस पर्टिकुलर मतलब कॉलेज

देखिए अब देख सकते हैं इसका जो मेन सिंबल है दिस इज दिस का मेन सिंबल जहां पर वाइस आउल है और इसका जो मोटो है युद्धम प्रज्ञा युद्धम प्रज्ञा का मतलब होता है इनटू टू विद विजडम मतलब वेन वी गो टू वॉर वी गो विद विजडम यानी कि जोश में होश नहीं खोते हैं हम जोश के साथ होश को लेके जाते हैं ठीक है दिस इज वॉट इट मीन्स नाउ देखिए अगर आप इस पर्टिकुलर कॉलेज के एलोमनाय की बात करेंगे कौन कौन पर्टिकुलर पर्सन है जो यहाँ से पास आउट हुए हैं तो हमारे सारे के सारे नेवल स्टाफ इंक्लूडिंग द प्रेजेंट वन हमारे सारे आर्मी स्टाफ देखिए राइट स्टार्टिंग फ्राम द फर्स्ट वन जो कि हमारे फील्ड मार्शल मानिक शॉ हैं उनको उनसे लेकर के जनरल रावत इसके अलावा जो अभी हमारे जो प्रेजेंट जनरल हैं वो ठीक है ये सब इसके अलमनाएं हैं इसके अलावा जितने भी हमारे एयर स्टाफ हैं ूडिंग द रिसेंट वन वो सब के सब इसी पर्टिकुलर कॉलेज के आलमनाएं हैं अगर आप फॉरन एलुमिना की बात करेंगे कहा पर आप जर्मन के जो स्पेशल फोर्सेस के हेड थे नाइजीरिया के जो हेड ऑफ़ स्टेट थे नाइजीरियन प्रेसिडेंट ठीक है फिजिक के थर्ड प्राइम मिनिस्टर इसके अलावा नामीबियन आर्मी के सेवन कमांडर ये सब के सब यहाँ पे इसी पर्टिकुलर कॉलेज के एलोनाएं हैं इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल फिगर्स यानी कि जो श्रीलंका के जो करंट प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल गोटाबाजा राजा पाक इसी पर्टिकुलर कॉलेज के एलोनाए हैं ठीक है आई होप आपको यह समझ आ गई होगी कि यह पर्टिकुलर कॉलेज जो है बहुत यू नो अच्छे अच्छे एंड बहुत ही टॉप लीडरशिप को ट्रेन करता है नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट हैव टू डिस्कस अबाउट इज अ कैश बॉन्ड हम कैश बॉन्ड को प्रॉपरली डिस्कस करते हैं कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो कोर्ट है उसने रिसेंटली सुधा भारद्वाज नाम की एक ह्यूमन राइट्स लॉयर है उनको रिसेंटली रिलीज कर दिया है इन भीमा कोरगांव केस उनको अरेस्ट किया गया था उनको रिसेंटली रिलीज कर दिया गया एट अ कैश बॉन्ड ऑफ फिफ्टी थाउजेंड तो हम समझते हैं कैश बॉन्ड क्या होता है देखिए कैश बॉन्ड सिंपल से बात है कि गारंटी है गारंटी ऑफ पेमेंट इसका मतलब है कि जब भी आपको बिल पे आपको रिलीज किया जाएगा उससे पहले आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट फुल अमाउंट कैश में आपको पे करना होगा दिस पर्टिकुलर अमाउंट जो है ये एक ये इंश्योर करता है कि आप नेक्स्ट कोर्ट डेट पर आओगे मतलब ये अमाउंट जानबूझ के ज्यादा रखी जाती है ताकि आप पक्का नेक्स्ट कोर्ट पे आओगे जब भी आपको बुलाया जाएगा आप आओगे नाउ कैश इज द गारंटी ऑफ पेमेंट मतलब अगर आपको कैश वापस चाहिए तो आपको आना पड़ेगा सिंपल से बात है इफ यू डोंट शो फॉर द कोर्ट तो कोर्ट आपका कैश रख लेगी और फिर आपको देगी नहीं वापस बट अगर आप टाइम से आते हो और अपने सारे के सारे जब भी अपने अपने केस को प्रॉपरली कंप्लीट करने में हेल्प करते हो तो आपको आपका कैश वापस मिल जाएगा आई होप आपको समझ आ गया चीज देखिए वो तो था बेसिक टर्म्स में अगर हम आ, टेक्निकल टर्म्स में देखें तो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि कोलेट्रल रखना होता है किसी भी कोर्ट के अंदर कोलेट्रल रखना होता है जो कि कैश के अलावा रखने है रखना होता है जैसे कि प्रॉपर्टी ज्वेलरी बैंक अकाउंट्स मतलब ऐसी चीज जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है जिसको वापस लेने आप जरूर आओगे ये चीज रखनी होती है बट इसके अलावा एक होता है कैश बॉन्ड कैश बॉन्ड के अंदर कैश रखा जाता है ठीक है कैश बॉन्ड ऐसे लोग के लिए रखा जाता है जिसका मॉडरेट फ्लाइट इसका मतलब जिसका बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है कि वो देश से भाग जाएगा या फिर शहर से भाग जाएगा ठीक है इन दिस केस या तो वो पर्टिकुलर पर्सन खुद या फिर उसके कोई फैमिली वाले या फिर रिलेटिव वो क्या है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी जो भी कोर्ट बोलती है उसको अरेंज करके कोर्ट के अंदर जमा कराते हैं इससे क्या होता है जब भी वो पर्टिकुलर पर्सन जब को पैसे जमा हो जाएंगे तो पर्टिकुलर पर्सन बेल पर रिलीज हो सकता है और जब भी उसको नेक्स्ट कोर्ट की डेट मिलेगी तो उसको आना होगा वापस कोर्ट में अपनी प्रेजेंस शो करनी होगी और ऐसे ऐसे उसका केस चलेगा और फाइनली जब उसका केस कंप्लीट हो जाएगा तो उसको पैसे वापस मिल, मिल जाएंगे यानी कि रिफंड मिल जाएंगे ठीक है होप आपको समझ आ गया होगा ये एक टाइप का सिक्योरिटी होता है कि आपको कि मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन हर एक कोर्ट अपियरेंस में आए वहां पर इसीलिए वो पर्टिकुलर पैसे वहाँ पर रखे जाते हैं अगर वो पर्टिकुलर पर्सन वहां पे नहीं आएगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे आई होप आपको ये चीज समझ आ गया होगा नाउ नेक्स्ट टॉपिक हैव टू डिस्कस अबाउट इज केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है देखिए केन और बेटवा Uh, ये दोनों ही फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिवर्स हैं जो कि दोनों ही एमपी के अंदर ओरिजिनेट होती है ये एक रिवर इंटरलैंकिंग प्रोजेक्ट है जो कि एम करता है टू तो ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम केन रिवर इन एमपी टू तो बेटवा रिवर इन यूपी ठीक है देखिए एमपी uh, के अंदर जो केन रिवर है देखिए ऑल दोनों ओरिजिनेट होते हैं एमपी के अंदर आपको ध्यान रखना है केन और बेटवा दोनों ही एमपी के अंदर ओरिजिनेट होते हैं आगे हम देखेंगे बट एमपी के अंदर जो केन रिवर है जहां पर वाटर सप्लस है वहां से पानी ट्रांसफर करना है बेटवा रिवर जब वो यूपी के अंदर जाता है वहां पर पानी कम हो जाता है ताकि जो बुंदेलखंड वाला जो पार्ट है जहां पर बेटवा रीजन बेटवा रिवर इज द ओनली रिवर वो एक ड्रॉट प्रोन एरिया है ड्रॉट प्रोन एरिया मतलब वहां पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं है ठीक है तो इसलिए उसको प्रॉपरली पानी प्रोवाइड करता है ना ये पर्टिकुलर रीजन जो स्प्रेड है देखिए यूपी के अंदर झांसी बांदा ठीक है महोबा डिस्ट्रिक्ट ये सब वो डिस्ट्रिक्ट है जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में अफेक्टेड है और कुछ एमपी के डिस्ट्रिक्ट जैसे टिकमगढ़ हो गया पन्ना हो गया छतरपुर हो गया ये सब वो एरियाज है जो कि इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है नाउ एमपी से पानी ट्रांसफर करना है यूपी में प्रोजेक्ट इन बिल्डिंग ऑफ एवं मीटर टॉल एंड टू किलोमीटर डैम नाम का एक धोधन नाम का एक डैम जो है वो यहां पर बिल्ड करने की बात की जा रही है साथ में एक टू थर्टी किलोमीटर केनाल बनाया जाएगा ठीक है जो कि इस पर्टिकुलर पानी को आ, एक जगह सेन रिवर से बेटा रिवर में ट्रांसफर करेगा प्रोजेक्ट इसगेट अराउंड टेन पॉइंट सिक्स टू लाख हेक्टेयर्स एनअली मतलब हर साल अराउंड टेन पॉइंट सिक्स टू लाख हेक्टेयर का जो जमीन है उसको इरीगेट करने में हेल्प करेगा यह पर्टिकुलर वॉटर यह पर्टिकुलर पानी इसके अलावा एक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का जो प्रॉब्लम है बुंदेलखंड रीजन में उसको भी सोल्व करेगा और उंड सिक्सटी टू लाख लोगों को पानी प्रोवाइड करेगा इसके अलावा हाइड्रो पावर जनरेशन और सोलर पावर जनरेशन के अंदर भी ये हेल्प करेगा ठीक है आई होप आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की ना दिस इज वन ऑफ द थर्टी रिवर इंटरलैंकिंग प्रोजेक्ट जो कि हमारे पूरे इंडिया के अंदर चल रहे हैं सो देर आर लॉट मैनी रिवर्स जिसको आपस में इंटरलैंक करने की बात की जा रही है ताकि एक पर्टिकुलर रीजन जहां पर वाटर सप्लस है उससे हम वाटर को ट्रांसफर कर सके किसी ऐसे एरिया में जहां पर वाटर की जरूरत है देन द प्रोजेक्ट हैज बिन डिलेड ड्यू टू पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इशूज ये लगातार इसको कोशिश कर रहे हैं बट ये अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया था

वो वापस नहीं लेगा बट अराउंड 3000 करोड़ वो एज अ लोन देगा ठीक है जो वो बाद में वापस ले लेगा द प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड टू बी कंप्लीटेड इन 8 इयर्स यानी कि 2021 में स्टार्ट हो रहा है तो लेकिन ये 2029 तक का इसको प्रोजेक्ट को मतलब कंप्लीट करने के की बात की गई है लेकिन देखिए दिक्कत ये है बीबी कि प्रोजेक्ट जो है इट विल पार्शियली सबमर्ज वो सबमर्ज कर देगा तब पन्ना टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश ठीक तो है एमपी के अंदर जो पन्ना टाइगर रिजर्व उसको पार्शली समर्च कर देगा और इसे कारण क्या होगा एक हैबिटेट ऑफ एंड जैकल्स दोनों ही डायरेक्टली अफेक्ट हो जाएंगी तो यहां पर एक कंसर्न ऐसा है जो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है इसके अलावा बहुत सालों से प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहा है एंड फाइनली इसको सिक्सटीन के अंदर क्लियरेंस मिली थी लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो पाया था बिकॉज कैबिनेट ने उसको रिसेंटली क्लियरेंस नहीं दी थी फाइनली अभी जाकर कैबिनेट ने उसको क्लियरेंस दी है ट्वेंटी ट्वेंटी और आठ साल का टाइम फ्रेम दिया है यानी कि या फिर मैक्सिमम बाई ट्वेंटी थर्टी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द डिस्कशन आई होप आपको uh, सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे सो आज के टॉपिक्स को हम ट्रू या फॉल्स के क्वेश्चन के फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज एम आई वेवन वी फाइव इज अ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर यूज बाई इंडियन आर्मी सेकंड इज इंडिया हैज अक्वाड एम आई वन सेवन वी फाइव हेलीकॉप्टर फ्रॉम रशिया थर्ड इज डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज इज रन बाइ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थ इज कैश पेड टू कोर्ट एट द टाइम ऑफ बेल इज कैप्ट बाय कोर्ट एज ऑपरेशनल फी आफ्टर द केस इज ओवर एंड फाइनल क्वेश्चन इज दट धोंदन डैम इज लोकेट इन एमपी दैट इज मध्य प्रदेश नाउ जो कल के क्वेश्चन थे उसको हम uh, देख लेते हैं कि उसके आंसर्स क्या क्या है फर्स्ट वॉज दट हॉर्नविल फेस्टिवल इज सेब्रेट एवरी टू ईयर इन नागालैंड दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट कल हमने इसके बारे में बात की थी दट इट इसलिब्रेटेड एन एनअली ठीक है एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है और हर दो साल पर सेलिब्रेट नहीं किया जाता है सेकंड क्वेश्चन बी एस एफ एज द पावर टिल एटी किलोमीटर इन गुजरात जिन्हें गलत स्टेटमेंट है कल ही हमने इसके बारे बात is, में बात किया था कि बी एस एफ पावर ऑल द ए

नेम है जो कि यूज किया जाता है टू ट्रीट द एच आई वी एड्स इनफेक्शन एंड फाइनल क्वेश्चन वॉज दैट हैज सीन इंक्रीज इन पीपल विद लोअर वेल्थ टू राइज मैनीफोल्स जिन्हें स्टेटमेंट है हमने कल देखा था जो बिलियनर्स है दे हैव इंक्रीज देयर वेल्थ यानी कि जो रिच है वो और रिच हो गया और जो पुअर है वो लगातार डाउन होता जा रहा है यानी कि रिच इज बिकमिंग मोर रिच एंड पुअर इज बिकमिंग मोर पुअर सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम द डिस्कशन आई होप यू लाइक इट इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग